नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। धर्म की नगरी वाराणसी में धनतेरस का पर्व कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां पूरे देश में लोग खरीदारी करते हैं, वहीं वाराणसी में धनतेरस पे एक ऐसा मंदिर है जहां खजाना लुटाया जाता है। ये मंदिर है माता अन्नपूर्णा का, जहां वर्ष में एक बार खजाने का वितरण होता है, जिसे पाने के लिए रात 12 बजे से भक्त की लंबी कतार लगती है। खजाने के रूप में सिक्के का वितरण होता है, जिसे लोग अपने तिजोरी में रखते हैं। वहीं मंदिर के महंत अपने हाथों से धान के लावे का वितरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस खजाने को अपनी तिजोरी में भंडार करता है, उसे वर्ष पर्यंत उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार यानी धनतेरस के दिन माता अन्नपूर्णा के सोने की प्रतिमा का भी दर्शन भक्त करते हैं। माता का दर्शन करने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेशमा मौर्य। क्या है यहाँ कौन सा मंदिर? सॉरी, क्या है यहाँ कौन सा मंदिर? यहाँ पर माता अन्नपूर्णा की मंदिर है। ये साल में एक बार खुलती है, सोने की प्रतिमा होती है यहाँ पे। मतलब साल में एक बार दर्शन होता है यहाँ, सोने की उनकी मूर्ति होती है। और यहाँ पर जो खजाने मिलते हैं साल में एक ही बार मिलते हैं, जो मतलब हमारा घर धन धान और सब कुछ भरा रहे। जो खजाना मिलता है उसको कहाँ रखते हैं? और खजाने को मतलब जहाँ हम लोग धन रखते हैं इकट्ठा, वहाँ रख सकते हैं। और जो वहाँ पर धान के लावे मिलते हैं, वो स्टोर रूम में जहाँ हम लोग मतलब खाने पीने का सामान रखते हैं। सोने की मूर्ति है यहाँ पर, जो साल में एक बार खुलती है। और प्लस इसका है कि साउथ वाले जो हैं उनकी कुल देवी यहाँ की हैं, जो हमारी अन्नपूर्णा माता है। भीड़ तो रात से स्टार्ट हो जाते हैं 1-2 बजे से लगाने। लोग बहुत दूर दूर से, मतलब साउथ वाले तो बहुत ही यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से लाइन लगते लगते। कुछ लोग तो यहाँ पर चोट वोट लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं लाइन में लगते लगते। अरे 8-8, 5-5 घंटे बीत जाते हैं लाइन में लगते लगते। यहाँ पर कुछ लोगों को तो तबीयतें खराब हो जाती हैं, भीड़ तो बहुत होती है, वो तो पूछा नहीं जा सकता, पूरी गली भरी रहती है। जो भी भक्त आते हैं और माँ के चरणों का दर्शन करते हुए, यहाँ 2-3 देवियाँ एक साथ विराजमान हैं, लक्ष्मी देवी, भूमि देवी और अन्नपूर्णा देवी। भगवान शिव स्वयं भिक्षाटन कर रहे हैं, तो जो भी भक्त कृपा माँ की प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ करके दर्शन करते हैं और खजाने का सिक्का प्राप्त करते हैं। उनके घर में धन ऐश्वर्य की सदा कृपा बनी रहती है माँ अन्नपूर्णा की, किसी प्रकार की जीवन में कोई कमी नहीं होती है। इसी भावना से भक्त यहाँ आते हैं। खजाने के रूप में जो हमारे अप्रचलित कुछ चमन्नी अठन्नी हैं या कुछ सिक्के हैं उनको, और धान का लावा और बताशा, ये चूंकि भूमि देवी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए सारी चीज़ें महंत रामेश्वरपुरी जी के द्वारा प्रदान की जाती है। ये देखिए हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, यहाँ के कई पीठाधीश्वर जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो लोग पूजते आ रहे हैं, इसी इसकी एक मान्यता है। ये स्वर्णमय विग्रह है माँ अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी देवी का और भूमि देवी का। इसके दर्शन से लोगों को तमाम तरह की शांति और सुख समृद्धि मिलती है, इसी कारण यहाँ लोग लाखों की भीड़ में लोग यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं।